आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्त, आधार कार्ड में एक ऐसा बदलाव आया है कि बहुत सारे लोग को जो है से पता नहीं है, और वही गलती करके बच्चा लोग को जो है से कहीं एडमिशन करना रहता है या कहीं पर कोई फॉर्म भरना रहता है तो वहाँ पर से मास्टर लोग या कोई भी जो अधिकारी हो, कोई भी लोग क्या करते हैं, उसको गलत साबित कर देते हैं, क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं है कि आधार कार्ड में क्या बदलाव हुआ है। दोस्त, मेरा वीडियो में बनल रहे, इस वीडियो के माध्यम से आप भी जो है से पूरे लोग को, समाज को बता सकते हैं, या कोई स्कूल के टीचर को बता सकते हैं, या कहीं पर कोई भी काम करने में दिक्कत अगर होता है तो वहां पर बता सकते हैं कि आधार कार्ड का जो है से न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्त, मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है से 1/1/1998 है, मान लीजिए, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ अभी जो है से प्रेजेंट में वही लिखाएगा, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 10 साल का बच्चा है या कि 6 साल का बच्चा है या कोई 2 साल का बच्चा है, उसको जैसे अब नया आधार कार्ड बनवाना है। दोस्त, जैसे ही अब कोई भी नया आधार कार्ड बनेगा उस पर डेट ऑफ बर्थ जो है से DY मंथ जो होता है वो अब नहीं लिखाएगा, केवल जो है से ईयर लिखाएगा। मान लीजिए किसी बच्चा का डेट ऑफ बर्थ जो है से 1/1/2020 है, किसी बच्चा का 1/1/2018 है, इस टाइप से जो है से, और वो बच्चा को जो है से आधार कार्ड बनवाना है, लेकिन जन्म तिथि में जो है से 1/1/2020 है, किसी में 1/1/2018 है, लेकिन जैसे ही आप आधार कार्ड बनवाने जाइएगा, आधार कार्ड में भी आपको रिसीविंग में जो है से मैं वो भी आपको प्रूफ दिखाऊंगा, आधार कार्ड बन का आया है, मैं वो भी आपको जो है से प्रूफ दिखाऊंगा कि किस टाइप से जो है से आप आधार कार्ड बन के आते हैं। तो मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कराने के लिए आधार सेंटर जाइएगा तो वहाँ जो है आपको जो रिसीविंग मिलेगा उस पर भी आपको सही सही डेट ऑफ बर्थ आएगा, लेकिन जैसे ही आधार कार्ड जो है से वहाँ से बन का आएगा उसमें देखिएगा दिन और मंथ वो हटा दिया गया है। अब जो है से आधार कार्ड पर केवल जो है से यानी कि ईयर यानी कि जो साल जो है वही साल आएगा। मान लीजिए कि मेरा जन्म जो है से मान लेते हैं कि मेरा जन्म 2018 में हुआ है तो सिर्फ जो है से 2018 लिखाएगा, ये नहीं कि उसमें अब डेट और मंथ ये दोनों चीज़ को हटा दिया गया है। दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ऐसा और वीडियो देखने के लिए। दोस्त, याद रहे आधार कार्ड में अब जिसका भी नया बनेगा उस सभी में से जो है से डेट और मंथ को हटा दिया गया है, केवल जो है से ईयर को रखा गया है। दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मेरा जानकारी आप लोग को अच्छा लगता होगा, तो फिर से कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन क्या सरकार जो है से डेट और मंथ हटा के सही किया है या गलत किया है। आप लोग अपना राय जो है से कमेंट में जरूर दीजिएगा, तभी पता चलेगा कि सरकार का जो नियम लागू हुआ है वो सही या गलत है, और जरूर एक मैसेज करिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा जो है से वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।